वो हमारे संत गुरु और महापुरुष किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो हमारे संत गुरु और महापुरुष इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। मैं मीडिया बंधुओं को और आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरी पूर्व की रही चारों सरकारों में खास तौर से दलित आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जो समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी समर्पित की, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो हमारे संत गुरु और महापुरुष किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो हमारे संत गुरु और महापुरुष इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। आज उन्हीं के ही बताए हुए रास्तों पर चलकर बहुजन समाज पार्टी इस कार्य में लगी हुई है। पूरे देश में हम लोग समता मूलक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है, एक धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। ये सर्व समाज की पार्टी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऐसे जो संत गुरु और महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश में समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने की कोशिश की, तो मेरी चार रही सरकारों में मैंने अपनी चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियाँ आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियाँ आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज़्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। अब तो जब आगे सरकार बनेगी केवल उनके रखरखाव का ध्यान रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आगे पांचवी बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। बच्चा बच्चा ये कहे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दिया है, तो मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगेगी। लेकिन यहाँ मैं सभी धर्मों के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि कुछ धर्म के लोग ये चाहते हैं कि उनके भी संतों गुरुओं को आदर सम्मान मिले तो उनको भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासी समाज में जो संत गुरु महापुरुष हुए हैं उनको तो मैंने आदर सम्मान देकर अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन इसके अलावा अन्य वर्गों में से जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे संतों, गुरु और महापुरुषों का भी आदर सम्मान किया जाए तो उनकी धार्मिक भावनाओं का खास तौर से हम लोग सम्मान करते हुए उनको भी पूरा पूरा आदर सम्मान दिया जाए, ये भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब मैं अंत में आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए खास तौर से जो हमारे संत गुरु और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को, इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने लगा दी, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनको मैं नमन करते हुए अब आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।